कल जो जनपद की कानपुर नगर जनपद की जो स्वॉट टीम है उसको जानकारी मिली कि फतेहपुर की तरफ से कानपुर की तरफ कुछ नाजायज़ असलहा लेकर के कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। तो नौबस्ता टीम और स्वॉट टीम ने कंबाइंड एफर्ट करते हुए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी समाधि पुलिया के पास से, जिनके पास से लगभग 18 नाजायज़ असलहे बरामद हुए हैं। जो व्यक्ति हैं इसमें इन्वॉल्व, उनका नाम है नसीम पुत्र मोहम्मद जमील, जो कि निवासी हैं खैरी थाना खागा जनपद फतेहपुर के, और इनका बेटा नफीस पुत्र नसीम। इनके पास से करीब 4 राइफल, 315 बोर, 6 बंदूक, 12 बोर और 8 तमंचे, और साथ में जिस मोटरसाइकिल का ये इस्तेमाल कर रहे थे असलहों को ले जाने के लिए, वो बरामद हुए हैं। जी जी डेफिनेटली इसमें हम लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो सूचना मिली है इनके इनकी इनसे पूछताछ करके, उसके हिसाब से ये लोग रनिया की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर किराए का कमरा लेकर के और वहाँ से काम अब नेक्स्ट लेवल का शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। जी ये लोग रनिया की तरफ बता रहे हैं कि रनिया में ले जा करके लोग बेचते, फिर जैसा बता रहे हैं रनिया में ले जाते और वहाँ से फिर फर्दर ये लोग सप्लाई करते, वो हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लिंक करेंगे चीज़ों को। डेफिनेटली हमारे पास लीड्स हैं, उस पर काम किया जा रहा है। ये लोग लगभग 10-12 साल से कर रहे हैं, पहले पूर्व में भी ये लोग जेल जा चुके हैं। परिवार के कई सदस्य इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिली है।